दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है अब एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट से गुजरने वाला है। दोस्तों आपको आगे की कहानी में ये नजर आएगा कि पार्थ, जिसे इस बार भी बिरला हॉस्पिटल्स का एमडी नहीं बनाया गया, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात से जल रहा है। वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा है जिससे अभिमन्यु को नीचा दिखाया जा सके और घर वालों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि वो इस पोजीशन के काबिल है, जिसके बाद पार्थ सारी हदों को पार करते हुए हॉस्पिटल में एक ऐसा गैर कानूनी काम करेगा जिसके बाद पुलिस आकर एमडी यानी कि अभिमन्यु बिरला को उठाकर ले जाएगी, लेकिन इस बार उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगी और कोई नहीं बल्कि उसकी लॉयर अक्षरा। दोस्तों ऐसे में कहानी एक बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग मोड पर आ चुकी है, जहां पे अब इन दोनों के प्यार का इजहार होना बाकी है। दोनों को इस बात का रियलाइजेशन होना बाकी है कि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कुछ होने वाला है इस सीरियल में, हम आपको आज इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पार्थ एक दूसरे इंसान के साथ गैर कानूनी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल्स में भर्ती करवा लेता है, जिस वजह से पेशेंट्स की जान को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में जैसे ही किसी एक पेशेंट की जान खतरे में आएगी तो पुलिस तक ये बात पहुंच जाएगी और सीधा पुलिस बिरला हॉस्पिटल में छापा मारेगी, जिसके बाद उन्हें सिलेंडर्स मिलेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आएगी कि हॉस्पिटल के प्रशासन ने मरीजों की जिम्मेदारी और देखरेख में बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसके बाद बिना कुछ सुने समझे सीधे हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि अभिमन्यु बिरला को पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देगी। ऐसे में जैसे ही ये बात अक्षरा को पता चलेगी तो वो हॉस्पिटल जाकर सीधा इस बारे में पता लगाएगी और वो उस आदमी को लेकर आएगी जिसने पार्थ के साथ मिलकर ये सारा गैरकानूनी काम किया है। अक्षरा सीधा जाएगी पुलिस स्टेशन और सारे के सारे सबूत पुलिस वालों के आगे पेश करके निकलवा लेगी अभिमन्यु को बाहर, और ऐसे में पुलिस वाला भी कहेगा कि बीवी हो तो आपकी जैसी। अब ऐसे में अभिमन्यु तो थोड़ा सा घबराएगा शर्माएगा, लेकिन अक्षरा के दिल में तो कहीं प्यार ही नहीं है, वो सीधा कह देगी कि ये मेरे पति नहीं मेरे क्लाइंट है। दोस्तों कहानी के इस मोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।